रागिनी जी जी बोलिए सर जी आई एम सीइंग यू फर्स्ट टाइम ऑन द प्लेटफार्म कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज या या आई एक्चुअली आई मीन आई थोड़ा सा इंटरेस्टेड थी मैं ये वास्तु के रिमेडियल इसमें तो मैंने सोचा है थोड़ा फ्री टाइम था तो शुड आई टॉट ट्राई जॉइन इट चलिए ग्रेट आपका स्वागत है राजीव बंसाली जी आपका धन्यवाद आज ज्वाइन करने के लिए आपको लंबे समय बाद देखा आज आपको थैंक यू सर नमस्ते सर नमस्कार राजीव जी नेहा जी नेहा जी यस सर कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आई एम सीइंग यू फर्स्ट टाइम ऑन द प्लेटफॉर्म हाँ मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे एसबीसी ज्वाइन किया है ये मेरा दूसरा कोर्स है ऑलराइट ऑलराइट ठीक है तो इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज

i can i know a lot of my existing participants but if i know you all then it become easy for me to relate with you all that is the reason to get a little one minute introduction thank you namaste sir my first time join hui ji sorry i par naam hai mera ji ji तो आप वास्तु के विषय में कुछ जानते हैं या फर्स्ट टाइम ही वास्तु कर रहे हैं आप? मैं कंसल्टेशन करती पर फर्स्ट टाइम ग्रुप भी मेरा ड्रीम है वास्तु सीखना वेरी गुड हेतर शाह बहुत बढ़िया अच्छा ड्रीम है आपका वास्तु आपका ड्रीम कम ट्रू ऐसा होगा ग्रेट एंड मैं हमेशा से बोलता हूँ कि हम ये वैदिक विद्याओं को हम सीखते हैं और आजकल इसको प्रोफेशन में अडॉप्ट करते हैं एक समय ऐसा था भारतवर्ष का जहाँ ये वैदिक विद्या जो ना घर घर में सबको आती थी एजुकेशन के माध्यम से स्कूलिंग में सबको बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बेसिक्स ऑफ वास्तु उसी समय में सिखा दिया जाता था ताकि लोग अपने जीवन को समझ के साथ साथ चलाएं आज चुनेटली हमारा एजुकेशन प्रणाली में नहीं है सब चीजें ये तो हमें सीखना पड़ता है अलग से और ये फिर चीजें कॉमर्शलाइज हो जाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से कॉमर्शलाइज होती हैं एंड यू ऑल नो डैट एंड दी अकेडमी का एक प्रयास है इनको कॉमर्शलाइज इट बट एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू मेक इट सो अफोर्डेबल एंड ब्रिंग इट टू लाइफ ऑफ पीपल्स इन सो सिंपल वे कि वो उसको अडॉप्ट करें अपने लिए घर के लिए और आने वाली अपनी पीढ़ी अपने बच्चों को तो उस दायरे में सिखाएं थोड़ा बहुत जो सीख सकते हैं ताकि बेहतर हो सके जीवन सबका ये एक प्रयास है इसका ठीक है चलिए कमिंग टू सब्जेक्ट एनी वन लाइक टू से एनीथिंग बिफोर मूविंग टू द सब्जेक्ट ऑफ टूडे राइट अब मुझको एक बार एक बार ये और बताइए कौन से ऐसे लोग कितने ऐसे लोग हैं जो वास्तु को बिल्कुल नहीं जानते जीरो प्लीज हैंड

अरे प्रवीण गर्ग जी आपको वास्तु नहीं आता आपने अभी वास्तु नहीं किया था ऐसे कैसे सर मैंने किया नहीं सर वो पहले अच्छा चलो चलिए कोई बात नहीं संदीप तलवर जी संदीप तलवर जी इफ यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो एंड टेल अबाउट योरसेल्फ क्विकली सर आपके साथ तो मैं बहुत टाइम से जुड़ा हूँ बट हाँ मैंने कभी वास्तु सीखा नहीं है सर बस मैंने बुक्स टुक्स पढ़ता रहता हूँ थोड़ा शौक किया बट आई एम नॉट एबल टू लर्न दिस चलिए ठीक है अभी टाइम धन्यवाद राघनी जी आप क्या कहना चाहते हैं बताएं जी सर मुझे भी पता नहीं है वास्तु के बारे में कुछ एक्चुअली इन दिस फील्ड सिंस 20 इयर्स रेकी वगैरह सब कुछ कर लिया रेकी मास्टर रेकी आ, done, सब कुछ कर लिया हैच एंड तो ऐसा होता है, कि कभी -कभी हम का करते है और करते हैं और मुझे डायरेक्शन में इश्यूज हो जाते हैं क्या ये डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल होना चाहिए और फिर उधर ये है टॉयलेट है तो फिर क्या करना चाहिए चलिए कोई बात नहीं सीधा सीधा वास्तु पे आते हैं सीधा सीधा वास्तु पे आते हैं अभी हम जैसे हमारा कोर्स का पूरा प्लान ये है कि हम इसको रेमेडियल वास्तु करेंगे और हम इसमें रेमेडीज जितनी ज्यादा हम सीख सकते हैं उतनी ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे क्योंकि रेमेडीज का मतलब जो क्वॉंटिटी क्वांटिटीफाई करें तो क्वान्टिटीफाई कम खत्म नहीं होता बहुत ज्यादा मात्रा में है तो वट वी विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वास्तु की वास्तु कैसे होता है क्या काम करता है

तो हम उसका एक्सपीरियंस करेंगे सबको साथ साथ अभी हम बेसिक्स पे आते हैं स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल बेसिक्स से मैं यहाँ पे एक स्लाइड लगा रहा हूँ स्लाइड के अंदर काफी डाटा है सिर्फ बेसिक्स डाटा को आप समझेंगे एक मिनट के मुझको दे स्लाइड राइट right, आप मेरे ख्याल से काफी लोग ऐसे भी होंगे जो शायद

वेरी क्विकली जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आता चार मेन डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चार मेन डायरेक्शन थोड़ी लाइन हो गई देना ईस्ट वेस्ट ठीक है जीरो डिग्री, डिग्री, डिग्री. So अब इसको हम uh, सब डायरेक्शन में डिवाइड कर देते हैं तो फोर्टी फाइव डिग्री पाएगी तो फोर्टी फाइव डिग्री इज नॉर्थ ईस्ट एंड देन जीरो टू फोर्टी फाइव नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट फोर्टी फाइव टू नाइन ईस्ट टूस्ट एंडी फाइव कर देंगे डिग्री का करते जाएंगे. तो नाइनटी टू वन थर्टी फाइव ईस्ट टू साउथ ईस्ट ये लिखा हुआ साउथ ईस्ट बीच में बैकेर में जिनको नहीं ज्ञान इस चीज का एंड देन साउथ ईस्ट टू साउथ साउथी डिग्री एंड इसको फिर बैरफिकेट कर देंगे अगेन डिवाइड करेंगे इसको साउथ वेस्ट में आ गया ठीक

अब ये ब्रह्मान सेंटर जो है बिल्कुल जो आ, आपके घर का जो सेंटर आएगा वहां से ये उठा के हम कैलकुलेट करेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे कैसे मैपिंग करेंगे ये आने वाली क्लासेस में हम सीख जाएंगे इज नॉट बिग डील बहुत इजी है ये इसको फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं अगर ये जो जीरो टू फोर्टी फाइव डिग्री का निकला है इसको हम एक बार फिर से डिवाइड कर देते हैं तो बिल्कुल एक सेंटर पे को लाइन आ जाएगी ये पैंतालीस डिग्री का आधा करेंगे तो साढ़े बारह डिग्री आएगा सिंपल है पैंतालीस को दो से डिवाइड किया साढ़े बाईस डिग्री आया तो साढ़े बाईस डिग्री जो है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आ गया इन दोनों के बीच में इन दोनों को जोड़ दो ये जो नॉर्थ है और ये नॉर्थ ईस्ट को जोड़ दो नॉर्थ -E का एंड पकड़ लो नॉर्थ ईस्ट का एन ई पकड़ लो तो इसको यहां पर आ गया इसको भी जोड़ दो फिर ये फिर आ गया सेंटर आ गया इन दोनों का -E एन ई आ गया और एक साइड ईस्ट है इसको जोड़ दो एन ई -E का नॉर्थ ईस्ट आ गया ई आ गया ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आ गया इसको जोड़ दो आपस में इसको जोड़ दो कि याद रखेंगे जो पड़ेगी आपको वैसे ही इसका आंसर आ जाएगा अब ये ईस्ट है और ये साउथ ईस्ट इसको जोड़ दो ईस्ट साउथ ईस्ट ई सी आ गया तो साढ़े बाईस डिग्री एड करेंगे इसमें तो ये बर्फिकेट होते चले जाएंगे एक ही आ गया फिर तो यहाँ पे साउथ ईस्ट था यहाँ पे साउथ था इन दोनों को जोड़ दो एस एस सी बन गया ये एस एस सी इज साउथ ऑफ साउथ ईस्ट ये बन गया फिर इसका एक और हाफ किया तो ये आ गया एस एस डब्ल्यू कैसे आया साउथ और ये साउथ वेस्ट इसको जोड़ा तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट आ गया एस एस ये फिर इसको दोबारा से हमने किया किया ये ये है है और ये w है, इन दोनों को जोड़ दिया आया आ गया फिर इसको एक बार हाँ दोबारा से अपने मैक्स रखेंगे प्लीज ये वेस्ट था ये नॉर्थ वेस्ट जोड़ा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट आ गया और एक बार फिर से इसको हमने डिवाइड किया यहाँ से ये तो ये नॉर्थ वेस्ट और ये नॉर्थ है तो

और चार होती है सब डिविजन सब डायरेक्शन ठीक है चार मेन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और उसके बीच में नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ये चार होती है चार सब मेन डायरेक्शन चार सब डायरेक्शन सोलर जोन होते हैं ये हमारे सोलर जोन क्रिएट हो गए और ये हमारा वास्तु का जो बेसिक डायरेक्शन होती है या बेसिक जोन होते हैं ये हमारे वो क्रिएट हो गए इफ दिस इज क्लियर देन वी मूव टू दी स्टेट वे टू द काफी कुछ आता है उनको आपको किसी को हिच करने की जरूरत नहीं है काफी लोगों को बहुत सारा यहाँ पे आता है काफी लोग काफी कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी हमारे कोर्स में ही और वैसे भी तो विदाउट दे संकोच चलिए, सीधा आते हैं, हैं बात बात करते हम हम पे। पे 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 अब हमने पे बात करी, है। अभी देखो इसके हम पे भी जाएंगे, इसकी पे जाएंगे, इसकी उससे पहले पहले आज जो लोग देखने के लिए आए उनको वो समझ लें अगर वो लोग अपने अपने घर को डिजाइन कर सके और मैप कर सके थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सके तो मैं कुछ आ, मैं कुछ पे जाऊंगा उन टॉपिक पे आप अपने को रिलेट करने की कोशिश करेंगे घर के अगर ईस्ट के अंदर टॉयलेट आ जाता है तो इंसान को सोसाइटी में कट ऑफ होने का की संभावना बढ़ जाती है वो लोग वो लोग ऐसे लोग अपने को सोसाइटी से विड्रॉ समझते हैं विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी एंड उनके सोशल सर्कल जो है रिड्यूस हो जाते हैं या उसमें कमी आ जाती है जिनके ईस्ट में टॉयलेट आ जाता है बड़े ध्यान से सुनना मैं लाइनें जो मैं बोलता जाऊंगा जिन लोगों का घर में सिक बेड होता है यानी कि कोई पेशेंट होता है या फिर कोई बीमार होता है या ऐसा व्यक्ति जिनके यहाँ पे दिक्कत चल रही होती है आ, कोई मेडिकल इश्यूज चल रहे होते हैं उन लोगों के घर में अगर ऐसा दिक्कत आ रहा है अगर उनका बेड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगा दिया जाए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगा दिया जाए जो अभी हमने देखा था वहां पे इट इज ए जोन ऑफ इम्यूनिटी एंड हेल्थ इट इज हेल्प टू रिकवर फास्टर फ्रॉम दी इलनेस जिन लोगों के बेडरूम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आते हैं विच इज फन एंड एंटरटेनमेंट का जोन है अगर वहां पे आते हैं तो दे विल फॉरगेट अबाउट पास्ट एंड दे विल विली विथ रिन्यूड एनर्जी ऐसे केस में अगर हम बुजुर्ग लोगों का जो लोग अपने जीवन के पास्ट बैगेज लेके बहुत ज्यादा जीरे होते हैं उनके बहुत सारे भार होते हैं जीवन के क्योंकि उनकी लाइफ के पचास साल सत्तर साल खर्च हो चुके हैं और बहुत ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो लोग अंदर से खुश नहीं हो पाते उन लोगों का बेड अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगा दिया जाए के अंदर लगा देते हैं अगर हम तो उन लोगों की लाइफ के अंदर एक चार पैदा हो जाता है एक खुशहाली सी पैदा हो जाती है एंड देख देर पास बैड मेमोरीज एंड लिव लाइफ इन टूडेज प्रेजेंट एनर्जी अच्छी एनर्जी के अंदर जीवन को जीना शुरू कर देते हैं जिन लोगों का जिन लोगों के केस में ईस्ट वॉल के ऊपर जिन लोगों के केस में ईस्ट वॉल के ऊपर एक स्माइलिंग ब्रास का सूर्यदेव अगर लगा देते हैं स्माइलिंग ब्रास का सूर्यदेव अगर लगा देते हैं करीब सात फुट हाइट के ऊपर और फेस उसका हम अंदर की तरफ आ जाता है इनसाइड ऑफ दी हाउस फेस कर देते हैं उन लोगों के सोशल सर्कल्स में समाज में उनकी रिकनेशन बढ़ जाती है सरकार से डिपार्टमेंट से उनके तालुकात बेटर होने शुरू हो जाते हैं और उनको मान सम्मान का बेनिफिट होना शुरू हो जाता है जिन लोगों के एग्जेक्टली साउथ जोन में आ जाते हैं उन लोगों का नाम सम्मान रेपुटेशन नेम फेम में बड़ी कमी आ जाती है वो खराब होना शुरू हो जाता है उनको तकलीफ बहुत होती है साउथ जोन में अगर जिन लोगों का स्पेसिफिकली टॉयलेट होगा ये हम बात कर रहे हैं आज इस संपर्क में कि आप लोग बेसिक्स ऑफ अवर देर ओन हाउसेस एक बार चेक करें अब डिटेलिंग में हम आगे बात करेंगे फिर जिन लोगों का टॉयलेट वेस्ट जोन में आ जाता है जो कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स का जोन है ये यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होती है वो लोग धन होस्ता अपने लाइफ में बहुत कमा पा रहे हो लेकिन धन रख नहीं पाएंगे उनका धन जो है टॉयलेट की तरफ फ्लश आउट हो जाएगा और उनके जो डिजायर रिजल्ट्स हैं वो उनको मिल नहीं पाएंगे दे आर टू अचीव और और गेट देयर देयर रिजल्ट्स इन स्पाइट ऑफ ऑफ बेस्ट एफर्ट्स एफर्ट्स सिंसियर उनको ये दिक्कत आने की संभावना जो लोग डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बैठ के कर रहे होंगे जिनका खाना साउथ साउथ वेस्ट में एस एस डब्ल्यू के जोन में रहेगा जो कि डिस्पोजल और एक्सपेंडिचर का जोन है वहां से जो खाने के न्यूट्रिश होंगे नेचुरल न्यूट्रिशंस होंगे वो उसमें कमी आएगी उसका जो इम्पैक्ट होता है फूड का फूड का जो इम्पैक्ट होता है उसके अंदर उनको भरपूर आनंद नहीं मिलेगा नेचुरल न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएंगे जो कि एक डिस्पोजल्स की तरह ही वेस्ट हो जाएगा और ये उनके लिए नुकसानदायक रहेगा जो लोग स्टोरेज क्रिएट करते हैं और खासतौर तो से स्टोरेज ऐसा स्टोरेज साउथ ईस्ट में कर लेते हैं क्रिएट तो उनके घर में कैश फ्लो की समस्या देखने को आएंगी या एक्सीडेंट्स की समस्या देखने को आमतौर पे नजर आ जाएंगी तो साउथ ईस्ट में क्रिएट किया गया स्टोरेज कैश फ्लो साउथ और प्रॉब्लम्स को दर्शाएगा एक्सीडेंट्स को दर्शाएगा ऐसी समस्या उनके यहाँ देखने को प्राप्त हो सकती है जिन लोगों का स्टेयर केस एंटी क्लॉकवाइज हो जिन लोगों का स्टेयर केस एंटी क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज मतलब जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसके विपरीत दिशा में अगर ऊपर चढ़ने का जगह हो तो और वो जो जगह है वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बनी हुई हो ई एस जोन के अंदर बनी हुई है तो इट्स एंजाइटी एंड चर्निंग वहां पे उनको जो में एंजाइटी और चर्निंग के अंदर रिडक्शन होगा यानी कि उनको एंजाइटी चर्निंग से कमी आएगी और उनका थोड़ा बेहतर आएगा एंटी क्लॉकवाइज चेयर इन ज़ोन ऑफ़ ईस्ट ऑफ़ साउथ में अगर आ जाती है विच इज अ ज़ोन ऑफ एंजाइटी एंड चर्निंग इट इट रिड्यूसेस कमी आती है उसके अंदर ये एक अच्छा पॉइंट है उसके लिए जिन लोगों का जिन लोगों के साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जोन के अंदर जो कि पावर ऑफ कॉन्फिडेंस का है ठीक उनमें अगर वॉशिंग मशीन आ जाती है उसमें अगर वॉशिंग मशीन आ जाती है तो ऐसे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत वीक हो जाता है उन घर में उस घर के लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास में कमी आ जाती है और उससे उनको खुद में अपने अपने डाउटिंग होनी शुरू हो जाती है जिससे कि उनका कार्य में उनका नुकसान होता है विच मीन्स ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अगर वॉशिंग मशीन आ गई तो उनको ये समस्याओं का सामना करना पड़ेगा किसका सेल्फ कॉन्फिडेंस रिडक्शन का क्योंकि जोन जो है ये पावर और कॉन्फिडेंस का ही जोन है ये जो लोग ब्रास के गरुड़ की प्रतिमा रखते हैं घर में और वो साउथ वेस्ट में रख देते हैं उनको जिनके पास ऑलरेडी हो ब्रास की प्रतिमा गरुड़ की और वो उसको वो साउथ वेस्ट में रख देते हो तो ऐसे में उनकी जो स्किल्स है वो बहुत शार्प हो जाती है इट इज अगर उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है दे कैन पुट दिस गरुड़ आईडोल इन दोन ऑफ साउथ वेस्ट विच हेल्प टू शार्पन देयर स्किल्स जिन लोगों के पास नंदी बुल का ब्रास का धातु या मतलब आइडोल हो अगर उनके पास ऑलरेडी नंदी बुल का धातु का बना हुआ ब्रास का बना हुआ आइडोल हो और वो उसको साउथ वेस्ट में रख देते हैं और ये फ्लोर के ऊपर रखा जाता है यानी कि इसको हाइट पे नहीं रखना इसको ग्राउंड पे रखना तो ऐसे में उन लोगों के अंदर फैमिली के अंदर अगर कोई वाद विवाद है तो उसमें कमी आ जाएगी और बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी तो फैमिली में बिजनेस में स्टेबिलिटी क्रिएट होगी और इट्स ए गुड साइन फॉर देम जिन लोगों की किचन साउथ वेस्ट में आ जाती है जिन लोगों की किचन या अग्नि फायर साउथ वेस्ट में आ जाती है उन लोगों के केस में घर के अंदर फैमिली के अंदर रिलेशन और बिजनेस के अंदर अनस्टेबिलिटी ओवरऑल कैरियर में बिजनेस में फैमिली में अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है जिससे कि हमारे जीवन के अंदर उथल पुथल बढ़ जाती है और ट्विस्ट बढ़ जाते हैं लाइफ बिकम लाइक ए झूला जिन लोगों के नॉर्थ ईस्ट में टॉलेट जाते हैं एवरीबडी इज नोन वेरी करेक्टली से बीमारियां और समस्याएं बढ़ जाती हैं बढ़ जाते हैं और इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, करेंगे और बहुत बढ़िया टॉयलेट आ जाते हैं साउथ ईस्ट में अगर जिनके घर में ऑलरेडी टॉयलेट होंगे उनके यहाँ वो देखें उनके यहाँ कैश का फ्लो बहुत प्रॉब्लम से आता है और एक्सीडेंट्स भी अकस्मात होते रहते हैं चोट पीट भी लगती रहती है तो ये दोनों प्रॉब्लम से वो जूझते रहते हैं शारीरिक कष्ट एक्सीडेंट्स और कैश के फ्लो से जूझते रहते हैं जीवन में आ, काम करते हुए मेहनत करते हुए भी वो चीज नहीं प्राप्त कर पाते जिस, जो जितना वो डिजर्व करते हैं अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ जाते हैं जो लोग जो ऑफिस ऑनर डिस्पोजल और वेस्टेज की जोन में या जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं अपने ऑफिस में घर में परिवार में वो डिस्पोजल वेस्टेज की जोन में अगर सोते हैं बैठते हैं उठते बैठते हैं जोन ऑफ़ साउथ साउथ वेस्ट अगर इस जोन के अंदर वो लोग उठते बैठते हैं काम करते हैं वो लोग इस जोन को अवॉइड करें उस जोन के अंदर मत बैठें क्योंकि ये जोन से जो एफर्ट्स आएंगे वो एफर्ट्स भी वेस्टेज की तरह ही चले जाएंगे डिस्पोजल की तरह ही चले जाएंगे उस काम की वीक हो जाएगी यसल uh, yes, जी सर yes, 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 मुझे पूछना था कि ये जो आप अभी बोल रहे हो सिखा रहे हो भी। तो उसका भी रिकॉर्डिंग मिलेगा हमें सर रिकॉर्डिंग हो रही है मैडम ओके okay, मतलब हम लोग को मिलेगा वो तो हो रही है हाँ मैंने हाँ देख ली सारी रिकॉर्डिंग आपको कुछ मिलेगी। भी मिलेगी इतना समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आधा बाउंस जा रहा है मेरा कोई बात नहीं लिए इट्स ओके इट्स दिस क्लास कुड बी लिटिल हैवी फॉर समबड़ी वेरी गुड फॉर समबड़ी इट्स अ मिक्स ऑफ कॉम्युनिटी तो कोई दिक्कत नहीं है इनको हम डिटेलिंग में करेंगे एक एक एक्टिविटी एक को हम डिटेलिंग में जाएंगे पूरे पूरे जोन्स को हम डिटेलिंग में जाएंगे ठीक है सर सिर्फ इतना करना है कि आपको बेसिकली अपने घर की मैपिंग करके देख लेनी है हाँ, जितना हाँ, आप कर सकते हैं बोल रहे हैं वो डायरेक्शन सब दिख रहा है मुझे घर का भी मेरा दिख रहा है क्या होगा ठीक है और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी जितनी क्लासेज होंगी सबकी रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी ओके थैंक थैंक यू यू सर सर जी एक क्वेश्चन है हाउ टू चेक द सेंटर पॉइंट ऑफ़ योर होम ओके मेन मुद्दा यही है कि स्टार्टिंग ही जी, 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 आपने वास्तु किया पहले नहीं सर मैंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में काफी एस्ट्रोलॉजी और वो सब काम तो मेरे को आइडिया है डायरेक्शन का आप सब लोग अपना अपना मैप बना सकते हो घर का अपने अपने घर का जिसके पास सेंटर पॉइंट नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ तो अपने अपने घर का मैप बना सकते हो मैप बना देंगे सर। ठीक है जी. उस मैप को एक इवन कार्डबोर्ड पे चिपका सकते हो इवन कार्डबोर्ड पे मतलब प्लेन ना एकदम सर हाँ मतलब एक इवन कार्डबोर्ड मतलब कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसा नहीं हाँ जी 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 समझ गया हाँ जी प्लेन होना चाहिए बिल्कुल राइट हाँ जी हाँ, हाँ, प्लेन होना चाहिए जी, जी. किसी ने क्वेश्चन किया गरुड़ वाला मैंने गरुड़ के केस में ये आपको बताया था अगर किसी के पास गरुड़ है गरुड़ का आइडोल है मेटल का ब्रास का तो उसको साउथ वेस्ट में रखेंगे तो आपकी स्किल्स एनहांस होंगी जिस जिस काम में आप जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हो उस क्षेत्र में जो आपकी स्किल्स है और बेटर हो जाएगी और जाएगी जैसे चाकू पे धार लगाना ऐसा कार्य करेगी तो उसका आपको फायदा मिलेगा ठीक है ये मैंने बोला था जिसने भी क्वेश्चन किया ये तो उसको आप काट लो और पूरे मैप की कटिंग कर लो कॉर्नर टू कॉर्नर कटिंग 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 कर लो आप जैसे जैसे भगवान श्री शंकर किशन का चक्कर है उसको कौन सा चक्कर बोलते हैं वो जो उंगली पे है वो

जी। और ये गरुड़ वाला जो था सर वैसे एज पर एंड ऑल गरुड़ पुराण या गरुड़ से भी कनेक्टेड चीजों को थोड़ा सा लोग uh, अच्छा नहीं भी मानते मेरे को तो कोई इशू नहीं है मैं वैसे बोल रहा हूँ मतलब जो मैंने सुना तो गरुड़ की जो आइडिया अभी आप आपको इसको भी करेंगे अभी जब आपने पुराणों की बात करी है पुराण और वैदिक की बात करी है जी तो जी। बहुत जल्दी ये आएगा सब्जेक्ट और वहां देखेंगे गरुड़ की इम्पोर्टेंस क्या है ओके रागनी जी सारे आएंगे धीरे धीरे वेट करो लंबी सीरीज है आएंगे सारे चले दें अभी आप चलिए कोई कील या भारी वस्तु कोई कील या भारी वस्तु मतलब कील जो गाड़ देते हैं ठुक 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 गाड़ देते हैं या कोई भारी वस्तु अगर मरम्मत स्थान पे आ जाती है मरम्मत स्थान हम करेंगे जिन लोगों को समझ आता है वो समझे प्लीज मरम्मत पे अगर आ जाती है घर के मरम्मत पे ये जिस बरामद स्थान पे वो बारी वस्तु या गड़ी हुई कीले आएंगी बॉडी के उस पार्ट के ऊपर इंसान को तकलीफ पाई जाएगी ठीक है बॉडी के शरीर के किसके हमारे शरीर पे कौन सा शरीर होगा जो घर के प्रोमिनेंट मेंबर होंगे कौन जो अर्निंग मेंबर है प्राइमरी और जो घर को चला रहा है जो घर की घर की, की, की महिला है उनकी उस बॉडी पार्ट के ऊपर रिलेवेंट पोर्शन के ऊपर पेन या दुख पाया जाएगा या तकलीफ वहां पे पाई जाएगी अगर पिरामिड को नॉर्थ जोन के फ्लोर के ऊपर रखा जाए नॉर्थ जोन में फ्लोर के ऊपर रखा जाए तो ये गेंस और अपॉर्चुनिटीज को पैदा करता है तो गेंस और अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है अगर पिरामिड को नॉर्थ पे रखते हैं फ्लोर के ऊपर नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस अगर होती है अगर नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस आती है तो अनफेयर मींस ऑफ प्रॉफिट्स को दर्शाती है ये करती है, अडोप्ट करने की कोशिश करती है इंसान को अनफेयर मींस ऑफ प्रॉफिट्स। एट द सेम टाइम नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन फैक्ट्रीज के लिए कॉमर्शियल कारखाने के लिए अच्छी है डू नॉट ट्रीट फैक्ट्री कॉमर्शियल कारखाने की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट की एंट्रस्ट बिकॉज फैक्ट्री कॉमर्शियल कारखाने की एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट में कॉम्पिटिशन से जीत दर्शाएगी अनफेयर मीन्स यानी कि जुगाड़ करो होता एवरी गुड इन लव एंड एक कॉम्पिटिशन में काइंड ऑफ ए वॉर राइट तो उसके अंदर हर प्रकार का जीत इंपॉर्टेंट है तो वो वहां पर ट्रीट नहीं करना एट द सेम टाइम अगर ये घर में आ जाती है तो ये अनफेयर मीन्स ऑफ मेकिंग प्रॉफिट दिखाती है जो कि अच्छा नहीं होता है उसको करना पड़ेगा टॉयलेट आ जाता है डब्ल्यू एंड डब्ल्यू की जोन में वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की जोन के अंदर टॉयलेट आ जाता है जो कि जोन ऑफ डिप्रेशन का है और डिटॉक्सीफेशन का है इट सेल्फ इट इज गुड एंड आइडियल तो ये अपने आप में बैलेंस हो जाता है किसी भी प्रकार की पूजा साउथ साउथ वेस्ट के जोन में अवॉइड करनी चाहिए साउथ साउथ वेस्ट के जोन में अगर हम पूजा कर रहे हैं किसी प्रकार की तो अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ये ज्यादा लाभप्रद नहीं होती और जोन ऑफ डिस्पोजल एंड वेस्टेज का है तो लॉसेज दिखाता है फर्दर लॉसेस को दर्शाएगा क्योंकि आपकी पूजा इफेक्टिविटी कम हो जाती है अगर टॉयलेट को नॉर्थ जोन में आ जाता है नॉर्थ जोन में आया हुआ टॉयलेट हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटीज जो जोन ऑफ अपॉर्चुनिटीज आई है ये, उसको रिड्यूस करता है विच इज नॉट गुड फेवरेबल इसी प्रकार से अगर बेडरूम इसी प्रकार से बेडरूम अगर नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ में आ जाता है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट एन एन डब्ल्यू में वेरी गुड फॉर न्यूरी मैरिड कपल बिकॉज न्यूली मैरिड कपल इसी प्रकार से अगर कोई बच्चा विवाह के योग्य हो जाता है खास तौर से घर की बच्ची अगर विवाह के योग्य हो जाती है तो उसको अगर वहां पे बेडरूम दे देते हैं इट इज गुड फॉर देयर अर्ली मैरिज और गेटिंग इन टू दैरिज योग तो वो अच्छा रहता है उसके लिए भी लेथार्जिक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है अगर व्यक्ति ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट लेथार्जिक लेथार्जिक एटीट्यूड से uh, तो सॉरी अगर कोई व्यक्ति लेथार्जिक एटीट्यूड से डिस्टर्बड है या कोई एक्टिविटी uh, नहीं कर पाता डेड है बहुत वीक है उस पे खुशी की कमी है तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जो, जो जोन होगा अगर उसके अंदर उस व्यक्ति को बिठाया जाए थोड़ा टाइम स्पेंड करवा जाए ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के जोन के अंदर दो व्यक्ति में से ये जो भावनाएं हैं इसमें कमी आती है डिस्टर्बेंस कट होती है और बेटर हो जाएगा लॉन्ग यूज ऑफ लॉन्ग यूज ऑफ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट लीड्स टू पुअर हेल्थ मतलब जो जोन इम्यूनिटी का है उस जोन के अंदर हम जाके सोते हैं सबसे ज्यादा लॉन्ग यूज uh, क्या हो सकता है सोना अगर हम बीमार नहीं है अगर हमें कोई तकलीफ नहीं है और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, और हम जबरदस्ती नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के जोन में जाके सोते हैं लंबे समय के लिए हम टाइम स्पेंड करते हैं तो ये इम्यूनिटी को वीक करता है ये हमारी हेल्थ को वीक करता है लंबे समय के लिए सोना इसमें रिकमेंडेड नहीं है, बीमार है, है। अगर अल्कोहल को ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रख दिया जाए यानी कि कोई भी एडिक्शन की चीजें अल्कोहल इज वन ऑफ द एडिक्शन मटेरियल कुछ भी एडिक्शन मटेरियल वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखा जाए तो वो चीज एडिक्शन का शिकार होगी घर में एडिक्शन की तकलीफें बढ़ेंगी उससे एंट्रेंस हमारी साउथ साउथ वेस्ट की तरफ आ जाती है जो कि डिस्पोजल का जोन है अगेन वहां से रिलेशनशिप इश्यूज कैरियर इश्यूज जॉब इश्यूज घर में पैसे की समस्या है आमदनी की समस्या समस्याएं ये समस्य है दर्शाएगी साउथ साउथ वेस्ट के अंदर एंट्रेंस आ जाता है हमारे जो एफर्ट्स है वो कामयाब नहीं रहते वो वेस्टेज की तरफ जाते हैं चार एंट्रेंसे अगर किसी के घर में होती नहीं है अगर आ जाए या बना ली जाए चार एंट्रेंस कहां पे प्रॉपर ईस्ट प्रॉपर वेस्ट प्रॉपर नॉर्थ प्रॉपर साउथ दिस इज प्योर रिचनेस एंड प्रोस्पेरिटी इफ यू सी दैट जितने भी पुराने महल मैं आपका क्वेश्चन लूंगा इतर जी दो मिनट बाद जितने भी पुराने महल होते हैं या जो पुरानी इमारतें होती हैं वो प्रॉपर सेंटर से अपने चार द्वार खोल के रखते थे हमेशा चारों द्वार एंड दिस इंडिकेट रिचनेस एंड प्रोस्पेरिटी ठीक सेंटर के खुले हुए द्वार हमेशा काम करते हैं इरिस्पेक्टिव आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट क्या कहता है फिर भी काम करता हुआ पाया जाएगा नेगेटिव नहीं होगा किसी का ज्यादा कर रहा होगा किसी का कम कर रहा होगा ये ही इफेक्ट आएगा सेंटर के नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के दीवार लेकिन नेगेटिविटी नहीं होगा सॉरी सर नीड टू लीव सम इम्पोर्टेंट वर्क इन ऑफिस सो so, ओके okay, रागनी जी थैंक यू फॉर योर ज्वाइनिंग ठीक दिस इज गुड चलिए ब्रेक है तो नेतल जी आपका प्रश्न बोले इतना फिर सर मुझे पूछना था कि जब डायरेक्शन देखते हैं घर की तो घर के अंदर से देखना होता है बाहर की तरफ या फिर बाहर के अंदर की तरफ देखना होता है अंदर से बाहर की तरफ देखो या बाहर से अंदर की तरफ देखो दोनों बात बराबर है डायरेक्शन तो फिर भी वैसे ही रहेंगी नहीं सर नहीं? मतलब अभी अभी किसी का घर के बाहर से देखते तो साउथ ईस्ट दिखता है मतलब वो घर के अंदर से अगर मैंने देखा तो साउथ ईस्ट दिखता है अभी के लिए और... आप इतना काम करो आप घर के बीच में खड़े के बाहर की तरफ देखो ठीक है अभी के लिए आप ये करो डायरेक्शन आर यू सी इन एनी वे कैनोट बी चेंज क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं सकती ये देखने का तरीका ही है उसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है उसको कंफ्यूजन को दूर कर देंगे आगे जाके अभी के लिए आप इतना करो सिर्फ कि घर के अंदर खड़ो के बाहर की तरफ देखो आसान हो आप ठीक है किसने ने हैंड रेस किया था इसके बीच में लीना है कोई बीच में लीना जी आपने हैंड रेस किया था जी बताए तो मेरा कंफ्यूजन था कि आप बोल रहे थे ना नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तो उसमें कंफ्यूजन था अभी नॉर्थ की पूरी दीवार है जो ईस्ट को मिल जाती है तो वो कोना नॉर्थ ईस्ट हो जाता है ठीक है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो जगह बनेगी वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है हाँ तो अब भी सपोज किसी का दरवाजा नॉर्थ की तरफ मतलब वो कोने में है थोड़ा जगह छोड़ के तो वो नॉर्थ ईस्ट ही पकड़ेंगे ना हम लोग तो नॉर्थ जीरो डिग्री होता है सर मुझे वो कुछ नॉलेज नहीं है मैंने बताया था आपको ग्राफ पे मैं जस्ट अभी ज्वाइन हो गई हूँ सर अच्छा आप अभी ज्वाइन हुए हैं तो इट्स ओके हाँ। okay. अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे तो ये थोड़ा देखे हाँ।, हाँ। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ आपके लिए एक मिनट लगेगा इसमें आप ध्यान देंगे ये नॉर्थ है हाँ। और ये ईस्ट है करेक्ट है हाँ जी ये नॉर्थ ईस्ट है राइट ये देखेंगे नॉर्थ ईस्ट है हाँ. तो जीरो से जीरो का आधा जीरो से हाँ. जी, सॉरी जीरो और नाइन्टी डिग्री इन दोनों का आधा किया पैंतालीस हाँ. डिग्री है तो पैंतालीस डिग्री नॉर्थ ईस्ट हो गया हाँ. अब नब्बे डिग्री और पैंतालीस डिग्री का आधा किया तो साढ़े हाँ. डिग्री आएगा बीच में जो आएगा सिक्सटी सेवन फाइव आएगा ये हाँ. और ये हो गया ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अच्छा ओके okay. अब जिस डायरेक्शन में आपका दरवाजा है जिस डिग्री पे आपका दरवाजा है वो डिग्री पे जो जोन आता है वो जोन कहलाएगा सिंपल अच्छा जी ओके okay, जी ठीक है हां थैंक यू डिटेलिंग में जाएंगे नो नीड टू वरी ऑन दिस वी विल गेट इनटू डिटेलिंग ऑफ एवरीथिंग ये सिर्फ आज एक बेस एक स्मॉल रेमेडियल क्लास है स्टार्टिंग के लिए बट वी विल गेट इनटू डिटेलिंग्स थैंक यू सर थैंक यू जी किसी का ऑफिस का एंट्रेंस वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आ जाता है ऑफिस के एंट्रेंस की बात हो रही है ध्यान रखिएगा का का तो ये एंट्रेंस उस व्यक्ति को दुन, देश दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देती है जो कि एक व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्यापार देश दुनिया से कनेक्ट करके चलता है और ये एंट्रेंस का दरवाजा उस व्यक्ति को देश दुनिया से करेगा, जिससे तो और और चोरियों को दर्शाता है और ये एक्सीडेंट लॉसेस चोरियों के लिए एक इंपॉर्टेंट दरवाजा बन जाता है तो ये तकलीफ का बनता है इसी प्रकार से किसी का एंट्रेंस नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है एन एन ई में आ जाता है तो ये जो घर की हमारी बच्चिया होती है वो ट्रेडिशन के विपरीत कुछ कार्य करती हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं रहता तो जो हमारा घर का ट्रेडिशन कल्चर होता है उसके अलग हटके कुछ कार्य करते हैं बच्चियां स्पेसिफिकली बच्चियां जो हमारे लिए सुख का अनुभव नहीं देता वो तकलीफ का अनुभव देता है वो अगर किसी का सेप्टिक टैंक साउथ वेस्ट में आ जाता है ऐसे केस के अंदर घर के अंदर फैमिली में डिस्प्यूट्स बहुत डब्ल्यू एंड डब्ल्यू में, तो में कई पूजा, पूजा की एक्टिविटी आ जाती है उसकी तो ये डिप्रेशन को दर्शाएगा क्योंकि जोन ऑफ डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन है इस जोन के अंदर बैठ के पूजा करना अलाउड नहीं है दिस लीड टू डिप्रेशन फॉर्द पूजा से आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा हाँ यहाँ बैठ के अगर उपदेश को सुना जाए जैसे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध मैदान के बीच में अर्जुन को उपदेश दिया था बीच में खड़े होके सबको पता ये बात ठीक तो वैसे अगर उपदेश को सुना जाए तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है इस अर्जुन गेट डिटॉक्सिफाइड व्हेन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए जो कि गीता में आता है तो वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम किया अर्जुन को डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन से दूर किया ठीक है इट मेक्स सेंस तो वो फोटो वो पिक्चर और उस एक्टिविटी को वहां बैठ के किया जाए तो ये इंसान को डिप्रेशन से और डिटॉक्सिफाई करता है राइट right. नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर पेरामिड का जमाना है चलता हुआ बट अगर वुडन पैरामिड लगा दिया जाए राम जी देसाई जी आपका स्वागत है बहुत दिनों बाद देखा आपको कहां थे आजकल आप आ रही आपकी चलिए कोई बात नहीं अगर आज सर ये टाइम सेट नहीं होता है। मेरे को बजे का बस चार्लास तो आज है सर हमारा बी तो रात को चलता है नौ बजे से नौ बजे से मेरा दूसरा क्लास चलता होता है हाँ हमें पता है है ठीक चलिए <laughs> ओके सो तो हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर वुडन पैरामिड लगा दिया जाए पैरामिड वुडन की बात कर रहे हैं हम नॉर्मल पैरामिड की बात नहीं कर रहे प्लीज अंडरस्टैंड वुडन पैरामिड स्पेसिफिकली अगर वो लगा दिया जाए तो सरकार से प्रॉब्लम आना स्पोर्ट सिस्टम का वीक हो जाने की संभावना बढ़ जाएंगी और तीव्रता से बढ़ेगी क्योंकि पैरामिड है इंटेंसिटी टू मल्टीप्लाई द इफेक्ट्स तो वुडन पैरामिड वहां पे इफेक्ट्स को मल्टीप्लाई करेगा विच क्रिएट प्रॉब्लम विद गवर्नमेंट एंड स्पोर्ट सिस्टम वीक हो जाएगा उससे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फन एंटरटेनमेंट का जोन है इसमें अगर हम बच्चे को बच्चा रहता है बच्चे को स्टडी सेंटर बना देते हैं तो बच्चा स्टडी सेंटर की जगह पे मजे की तरफ ज्यादा भागता है विच इंडिकेट्स मोबाइल की वर्किंग या और मोबाइल मीडिया के साथ जो कनेक्टेड एक्टिविटीज़ होती है उसकी तरफ बच्चे का रुझान बढ़ता है फन एंटरटेनमेंट की तरफ बनता है लेकिन बच्चा खुश रहता है तो हमें लगता है मज़ा आ रहा है बट प्राइस से डिस्टर्ब हो जाता है जी हिना जी सारे आएंगे आप सारे सारे अपने पॉइंट्स लेके रखें कोई दिक्कत नहीं अगर स्टोरेज को बना दिया जाए साउथ वेस्ट के अंदर तो ये ठीक ठाक काम करता है एक स्पोर्ट सिस्टम का काम करता है बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा स्टोरेज बहुत भारी बना दिया जाए तो दिक्कत है कि घर में जैसे स्टोरेज नॉर्मल स्टोरेज होता है सामान रखने की जगह वो चीज ठीक ठाक काम करती है स्लीपिंग जोन हमारा वेस्ट में ईस्ट में आ जाता है प्रॉपर ईस्ट में अगर हमारा स्लीपिंग जोन हम बना देते हैं तो वो हमारे सोशल सर्कल्स को बेटर कर देता है नेटवर्किंग को बेटर करता है और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है या ऐसे कार्य कर रहे हैं जो नेटवर्क से रिलेटेड है नेटवर्किंग से रिलेटेड है वो लोग अगर ईस्ट जोन में सोते हैं तो उनका नेटवर्किंग बेहतर हो जाता है जो उनको बेनिफिट देता है किसी का बाइक कौन है तो वो उनको बेनिफिट देता है उनको फायदा रहेगा उसका सोशल कनेक्शन को बिल्ड करने में ईस्ट जोन के अंदर स्लीपिंग है अगर एंट्रेंस नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ जाती है अगर एंट्रेंस नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ जाती है तो हमारे जो बैंक बैलेंस को दर्शाती है वो बैंक हमने एक बार ये बात भी करी थी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के एंट्रेंस घर की लड़कियों को के अगेंस्ट ट्रेडिशन के अगेंस्ट जाती है ये भी हमने बात किया था लेकिन ये हमारे बैंक बैलेंस दर्शाती है कि बैंक बैलेंस हमारा होता है या हमारे बैंक बैलेंस में कमी आनी शुरू हो जाती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारी अगर एंट्रेंस आ जाती है तो साउथ ईस्ट के अंदर साउथ ईस्ट में अगर ब्लैक मैजिक जैसे इश्यूज इंसान फेस कर रहा है या और इन अदर वे ऐसे बोले कि अगर इंसान को जीवन में ब्लैक मैजिक जैसे इश्यूज फेस होते हैं टाइम टाइम पे दिक्कतें आती रहती हैं ब्लैक मैजिक जैसी इश्यूज की तो साउथ ईस्ट के अंदर साउथ ईस्ट के अंदर अगर वो रेड बल्ब लगाता है कुछ समय के लिए लगाए अपना ब्लैक मैजिक रिमूव करे फिर हटा दे परमानेंट रेड बल्ब वहां पे लगाना रिकमेंडेड नहीं है अनलेस इट इज वेरीफाइड देन ओनली पुट परमानेंट रेड बल्ब इन साउथ ईस्ट अदरवाइज डू नॉट पुट इट साउथ ईस्ट के वीक होने से या साउथ वेस्ट के वीक होने से ब्लैक मैजिक की संभावनाएं बढ़ जाती है उस घर में रहने वाले लोगों पे तो हमने साउथ वेस्ट की बात करी है साउथ ईस्ट में अगर ब्लैक अगर लोगों को ब्लैक मैजिक की शिकायतें आती हैं तो साउथ ईस्ट में टाइम टाइम पे रेड ब्लड लगाया जा सकता है साउथ वेस्ट के अंदर अगर कोई पानी या पानी से रिलेटेड संबंधित कोई चीज आ जाती है पानी से पानी की कोई पानी वॉटरी बॉडी आ जाती है ज्यादा तो साउथ वेस्ट के अंदर रिलेशनशिप की समस्या दर्शाएगा घर के अंदर परिवार में समस्या आएंगी स्किल्स के अंदर प्रॉब्लम आएगी बिजनेस में प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएगी जिससे घर के अंदर कहा क्लेश बढ़ जाएगा ईस्ट ईस्ट नॉर्थ वेरी गुड फॉर फन एंटरटेनमेंट एट द सेम टाइम वहां पे आई हुई एंट्रेंस को अवॉइड किया जाए तो अच्छा रहता है क्योंकि उससे दिक्कत तकलीफें बढ़ती हैं ईस्ट साउथ ईस्ट की ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस को ओवॉइड करना चाहिए डब्ल्यू एस डब्लू साउथ वेस्ट वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर का जो, जो जोन होता है वो एजुकेशन सेविंग मेमोरी का जोन होता है, है टॉयलेट अगर टॉयलेट यहाँ पे आता है, तो इस जोन को डिस्टर्ब करता है जिससे घर के अंदर सेविंग्स के अंदर रिडक्शन होती है सेविंग कम हो जाती है और हमारा जो मेमोरी है उसका लॉस होता है बच्चे की एजुकेशन में मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट उसका लॉस होता है वृद्ध व्यक्ति की जीवन में मेमोरी इज वेरी इंपोर्टेंट उसका लॉस होता है टॉयलेट इज डब्ल्यूएसडब्ल्यू के जोन के अंदर मेमोरी के अंदर एजुकेशन के अंदर सेविंग्स के अंदर डिस्टर्बेशन का काम करता है द इसी डब्ल्यूएसडब्ल्यू की जोन में ही अगर एंट्रेंस भी आ जाता है तो इनस्टेबिलिटी का को क्रिएट करता है डब्ल्यूएसडब्ल्यू की जोन तो एंट्रेंस इजोन में इंसान को स्टेबल बना देता है अपनी तो तो काफी सारी ये करी अभी तक और ये एक लंबा है चैप्टर इसको फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे कुछ चीजें मैं शेयर करता हूं जैसे आजकल का जो टाइम है ये अभी ये कंडीशन का टाइम चल रहा है और एक कंडीशन से रिलेटेड लोगों को अब जब आने वाली गर्मियां हैं तो एयर कंडीशन से रिलेटेड लोगों को सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि एयर कंडीशन कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए तो मैं इसकी रेमेडी शेयर कर देता हूँ आपसे ताकि आप लोग इस दुविधा से बाहर आ जाए क्योंकि जर्नी तो अपनी लंबी है चलती रहेगी अगर एयर कंडीशन आप किसी जोन में लगा रहे हैं तो कौन सी जोन अप्रोप्रिएट है पहले तो हम ये देख लेते हैं हमारी टोटल सोलह जोन है ये हमने अभी अभी देखा हमारी टोटल अभी सोलह जोन है ये अभी देखा हमने जो मैंने अभी रेमेडी रोकी है ये काफी है और इसको हम करेंगे आगे कंटिन्यू कुछ मैंने दी अभी कुछ और करेंगे तो एक एडिशन की बात करते हैं नॉर्थ से लेके वापस चक्कर जब नॉर्थ तक घूम के आता तो सोलह जोन होती है चार मेन जोन चार सब डिविजन जोन आठ हो गई आठ को फर्दर डिवाइड करते हैं जोनल जोन के अंदर तो सोलह जोन किट होती है अगर हम सोलह जोन की बात करें तो कहां कहां पे एसी जो है परमिसेबल नहीं होता तो हम पहली से चलते हैं नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं फिर एक एक करके आगे बढ़ जाते हैं नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ज़ोन्स के अंदर नॉर्थ के अंदर अगर हम एसी लगाते हैं तो इट इज गुड कोई इशू नहीं है एन एन ई के अंदर चलते हैं एन एन ई के अंदर ए सी इज गुड इट्स ओके यू कैन पुट दी ए सी इन एन एन ई कोई इशू नहीं है इम्यून सिस्टम को सब कुछ ठीक रहेगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर एसी एनजाइटी इनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड बढ़ाएगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगाया गया एसी इज नॉट रिकमेंडेड क्योंकि ये बढ़ाएगा बढ़ाएगा जो लोग वहां पे रहते हैं इट इज टू अवॉइड ई एन ई के अंदर ए सी अगर आ जाता है तो इट्स ओके कोई इश्यू सच ई एन ई के अंदर नहीं आता इट्स रिकमेंडेड ईस्ट आएगा ईस्ट के जोन के अंदर ए सी आ जाता है उसका भी कोई दिक्कत नहीं है इट्स इट इज गुड फॉर रिलेशनशिप इट्स ओके ई के अंदर अगर ए आ जाता है ईस्ट और साउथ ईस्ट में अगर ए आ जाता है तो इंसान को ये यहाँ पे ए लगाने से कोई खास समस्या नहीं आएगी सिवाय इसके कि थोड़ा सा उसको अपनी सिचुएशन पे डिफिकल्ट सिचुएशन को कूल cool काम करना पड़ेगा आसान थोड़ा उसको संभालने के लिए बाकी चल जाएगा ए ईस्ट के अंदर सॉरी ई एस के अंदर नेक्स्ट आएगा ई के बाद आएगा साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर आया हुआ एसी कैश एंड लिक्विडिटी की इश्यूज क्रिएट करेगा इट इज नॉट रिकमेंडेड साउथ ईस्ट ए सी मैंने दो जोन बताई पहले नॉर्थ ईस्ट बताई थी उसके अंदर एसी सी आया तो दिक्कत देगा साउथ ईस्ट दूसरी जोन है जहां पे एसी आएगा तो नॉट रिकमेंडेड ठीक दूसरा जोन है अगर यहाँ पे एसी आ जाता है तो क्या करें साउथ ईस्ट में अगर एसी आ जाता है तो हम एसी की जब हम बात करते हैं हम आउटर यूनिट की बात नहीं करते प्लीज अंडरस्टैंड हम जब एसी की बात करते हैं तो इंटरनल यूनिट की बात करते हैं या स्प्लिट ए केस में अगर, अगर विंडो एसी है तो विंडर ए सी अपने हमें सिंगल यूनिट है तो बेसिकली जो आवाहावा का फ्लो दे रहा हूँ उसकी बात करेंगे अगर इनकेस आ जाता है तो क्या किया जाए एज ए रेमिडी अलर्ट क्या किया जाए अगर पॉसिबल हो उस जोन का कलर यूज किया जाए आजकल कलरफुल ए सीज आते हैं तो रेड कलर का एसीज़ भी आते हैं उसको यूज किया जाए नहीं मिल पाता है अगर तो उसके ऊपर दो दो स्टिकर्स ले आए बाजार से, एक रेड कलर का और एक येलो कलर का वो दोनों स्टिकर्स उसकी बॉडी के ऊपर पेस्ट कर दे अगर साउथ ईस्ट में ये एसी आ जाता है अगर ये एसी नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है जहां हमने मना किया एसी के लिए अगर उस जोन में आ गया तो नॉर्थ ईस्ट में एक दो स्टिकर ले आए अगेन एक क्रीम uh, शेड का स्टिकर ले आए येलो क्रीम कलर का स्टिकर ले आए और एक ग्रीन कलर का स्टिकर ले आए और वो दोनों स्टिकर उसके ऊपर उसकी बॉडी के ऊपर चिपका दे एसी की बॉडी के ऊपर चिपका दे ठीक है? ये दो एक्टिविटी आप कर सकते हो अब हम साउथ ईस्ट आगे चलते हैं एस एस ई में एसी आ जाता है तो दिस जोन इज गिव बैड इफेक्ट फॉर एसी इट इज नॉट रिकमेंडेड तो जो रेमिडी एल होगा वो साउथ ईस्ट वाला ही होगा जो साउथ ईस्ट में हमने किया उसी को हम आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो साउथ के अंदर अगर ए आ जाता है तो साउथ के अंदर सबसे बड़ी धारणा इंसान की होती है कि साउथ के अंदर एसी आ गया अभी क्या करें साउथ के अंदर ए सी अलाउ है एसी अलाउ नहीं है क्या किया जाए साउथ इज ए जोन ऑफ फायर साउथ इज ए जोन ऑफ प्योर फायर अगर साउथ के अंदर ए आ जाता है एसी ठंडा है एसी बर्फीला है ठीक है ए की जो यूनिट है वो ठंडक पहुंचाती है एक्सटर्नल यूनिट आग देती है इंटरनल यूनिट ठंडा करती है एक्सटर्नल यूनिट को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं इंटरनल यूनिट को कर रहे हैं अगर ये आ जाती है तो ये यहाँ पे इश्यूज क्रिएट कर सकती है जिन लोगों का मंगल थोड़ा दिक्कत होगा उनको थोड़ा ज्यादा दिक्कत देगी आमतौर पे उस केस में जो रेमेडी होगी वो सेम होगी जो मैंने आपको साउथ ईस्ट की रेमेडी बताई है वो रेमेडी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो उससे उसके बाद एस एस डब्ल्यू में अगर ए सी आ जाता है तो ये जोन में ए सी एक्सपेंसिज बहुत देगा पावर बहुत कंज्यूम करेगा ए सी खराब ज्यादा हो जाएगा इसकी सर्विसिंग आपको ज्यादा करानी पड़ेगी बाकी इसमें और कोई दिक्कत नहीं है एस एस डब्ल्यू में आ जाती है साउथ वेस्ट में आ जाती है साउथ वेस्ट के अंदर ए सी इज नॉट ए गुड लोकेशन क्योंकि ये हमारे जीवन के कम्फर्ट को रिड्यूस करती है हमारे जीवन की रंफर्ट या पारिवारिक संबंध को रिड्यूस करती है इसमें यहाँ पे ए सी रिकमेंडेड नहीं है उसके आगे जो डब्ल्यू एस डब्ल्यू से लेके आगे की जितनी जोन है उसके अंदर एसी आर ओके इट इज नॉट नो इश्यूज आर सच तो जितनी डब्ल्यू वाली जोन आ जाती है इससे आगे वाली वहां पे एसी को लगाया जा सकता है ओनली डब्ल्यू एंड डब्ल्यू के अंदर और एस एस डब्ल्यू के अंदर सेम चीज आती है एस एस डब्ल्यू डब्ल्यू एनडब्ल्यू में ए का प्रभाव एक्सपेंसिज के ऊपर बढ़ जाता है खराब जल्दी होता है मेंटेनेंस जल्दी करनी पड़ती है बाकी सब वहां पे ठीक है ये ए चीज क्या था इसी प्रकार से हम सारे सब्जेक्ट की रेमेडी करेंगे जितने भी सब्जेक्ट हमारे अभी आनेंगे और उनकी फिर रेमेडीज भी हम करेंगे पहले हम रेमेडी वो करेंगे जिसके अंदर हमारा कोई खर्चा नहीं होता फिर हम रेमेडी आपको वो बताएंगे जो आप कॉमर्शियल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो जो आप इक्विपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो क्योंकि यू ऑल नीड टू बिकम अ अस्ट्रग कंसल्टेंट राइट सर जी नॉर्थ में एसी है और उसका जो कॉम्प्रेसर है

उसका कोई खास रेमेडी नहीं होगा आप कर भी लोगे तो भी दिक्कत उसका रेमेडी है फिर वो एसी के ऊपर एक येलो फ्लास्क रख दो येलो येलो वास। वास। है ना वाश समझ गया समझ गया ये मतलब दिक्कत नहीं करेगा ना कहीं पे भी एक्सटर्नल एक्सटर्नल इज लाइक योर घर की एक्सटर्नल इंटरनल जो अवचेतन मन है उस की मन से यात्रा वो इंटरनल है एनीथिंग एक्सटर्नल इज नॉट कंसिडर्ड ओके सर राइट किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं यहाँ तक और जिस जिसकी अभी रेमेडीज रह गई है रेमेडीज बहुत लंबी है इस सारी रेमेडीज हम करेंगे आगे और जिन्होंने टॉय का पूछा वो भी करेंगे और बाकी भी हम करेंगे प्रॉपर्टी सेल करने के लिए कौन सी डायरेक्शन है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आप अपने घर को बैलेंस करो सबसे इंपॉर्टेंट टॉयलेट्स को बैलेंस करो सेकेंडली अपने नॉर्थ वेस्ट को और वेस्ट को बैलेंस करो उससे आपकी प्रॉपर्टी सेल होने के योग बन जाएंगे साउथ वेस्ट के अंदर हनुमान जी का यंत्र आता है उसको भी प्लेस किया जाता है साउथ वेस्ट में हनुमान जी का यंत्र प्लेस करो

उसका ना वो वो होता है है उसका उसके ऊपर ऊपर समुद्र मंथन हुआ था राइट? एक लंबी कहानी उसको बाद में आप देख लेना उसका इसलिए बहुत है उसको अगर आप घर के सेंटर से नॉर्थ की तरफ जाता हुआ रखते हो इट हेल्प्स टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ एंड ऑलवेज अष्ट धातु का टोटॉइज रीजन उसका ये है बाकी जितने भी होते होते हैं इफेंट बर्स होते हैं उनके अपने विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन और सेकेंड उसका बेनिफिट कि घर के सेंटर में रखो घर के सेंटर में कई बार इमारत की कोई बिल्डिंग का कोई पिलर आ जाता है दीवार आ जाती है जिससे कि दोष पैदा होता है उस दोष को अपने ऊपर वो लिफ्ट करता है और अपने ऊपर लिफ्ट करके उसको वो भार की तरफ लेके जाता है ठीक तो उसको आप वहां से नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करता हुआ रख देते हैं तो अपने ऊपर से उठा के बाहर को ले जाता है uh, 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 to और आएंगी टॉर्ट और भी करेंगे हम बट दिस इज योर आंसर फॉर दैट जी मतलब बताए सर मतलब आपने सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तरफ रखना है नॉर्थ वेस्ट

पहली बार तो बहुत मजा आया वैसे भी मेरा वो ड्रीम ही है वास्तु सीखना तो डायरेक्शन से बहुत सारी क्लैरिटी आज पता चली कि डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट सब बोलते थे अब तक कि वास्तु वास्तु ऐसा होता है वैसा होता है लेकिन जब भी आपने एक्सप्लेन किया तो बहुत सारी चीज भी क्लैरिटी में आ रही थी क्योंकि मैंने एनर्जी वास्तु भी सुना हुआ था जो क्रिस्टल रेमेडीज देते हैं ऐसा के वहाँ पे सिर्फ क्रिस्टल म... हम क्रिस्टल की रेमेडीज भी करेंगे अच्छा ओके हाँ तो बस वही मेरे माइंड हमारा भी सब्जेक्ट भी की धातु की, 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 हाँ, हाँ. की सब रेमेडी तो करेंगे सर, मुझे और एक क्वेश्चन था करता है तो सब बेस्ट कौन सा रहेगा सारे अच्छे हैं इट ऑल डिपेंड्स इट ऑल डिपेंड्स कि आप किसके साथ कनेक्ट हो पाते हो

राइट सर हाँ वो तो मुझे पता ही है कि सब मैनिफेस्ट पे ही होता है अब एक एक टिप करते हैं आज की सबको जीवन में सबको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है पैसा यस नो हाँ ना अरे वाह जिनका जिसकी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं उसके लिए अच्छा नहीं है यस सर बहुत अच्छा है सर बहुत अच्छा है सबके लिए अच्छा है चलिए एक टिप करते हैं छोटी सी एक छोटी सी टिप करते हैं मनी मनी को हम वॉलेट में रखते हैं आमतौर पर पैसे को पर्स में रखते हैं पैसे को पर्स में संभाल के रखते हैं और हर व्यक्ति जब पैसे को रखता है तो बड़े संभाल के तरीके से रखने की कोशिश करता है लेकिन उसके अंदर कुछ इफ एंड बर्ड्स भी इंसान लगा देता है तो आज हम इफ एंड बर्ड्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ लोग अपने पर्स के अंदर पर पैसों के साथ बहुत सारी चीजें रखते हैं कुछ कुछ चीजें रखते हैं जिसके अंदर चाबी होती है जिसके अंदर कुछ पॉइंटेड चीज होती है नोकिल नोकली नु, कोई छोटी-मोटी छुरी सी रख लेता है कहीं कुछ रख लेता है तो इन सब चीजों का रखते हैं चाबी चाबियों का गुच्छा ठीक है जो लोग पै, पैसे के साथ पैस, अपने पर्स में रखते हैं ये फिजूल खर्च बढ़ाता है ये इसका प्रयोग में लेके मतलब चाबी का गुच्छा अगर पर्स में रखते हैं तो इसका प्रयोग में लेके आने से हमारे जो पैसे हैं उसका बाहर आउटलेट बढ़ जाता है यानी कि फिजूल खर्च बढ़ाता है ऐसे में चाबी का गुच्छा पैसे के साथ नहीं होना चाहिए कई लोग चाबी पैसे के साथ चिल्लड़ रख देते हैं हैं चेंज सिक्के वो भर के रखते हैं अपने पर्स में यानी कि उनके जो नोट होते हैं और जो सिक्के होते हैं वो इकट्ठे रखे होते हैं नोट और सिक्के इकट्ठे रख देने से नकारात्मकता पैदा होती है क्योंकि दोनों का इम्पेक्ट अलग है और ये अच्छा नहीं होता इससे हमारे अंदर हमारी जो पैसे का जो इम्पेक्ट uh, है मतलब उसका जो सदउपयोग है वो रिड्यूस होता है और कई बार लोग जो है चित्र रख देते हैं लोगों के साथ साथ भगवान के गॉड के या अपने गुरु के रखे तो वो एक अलग बात हुई लेकिन कुछ लोग अपने फैमिली मेंबर्स के चित्र रख देते हैं वो चित्र जो रखे होते हैं वो चित्र सही नहीं होते हैं वो ऊर्जाओं को डिस्टर्ब करता है पैसे की ऊर्जा को डिस्टर्ब करता है क्योंकि वो उनकी ऊर्जाओं से भी डिस्कनेक्ट होता है जिन लोगों के वो चित्र हैं तो चित्र जो है पैसे के साथ नहीं रखने चाहिए इससे हमारे पैसे का नुकसान होता है कई लोग पैसे को जो है ना चित्र संत महात्मा जैसे नहीं बोला संत महात्मा के चित्र साथ में लगा देते हैं शास्त्रों के अनुसार संत महात्माओं का स्थान पैसे की तिजोरी के साथ नहीं है तो वहां पे रखा हुआ संत महात्माओं का चित्र अशुभ है और उनमें बहुत सारे संत महात्मा चूल्हा छोड़ चुके होते हैं कई बार उस जीवन में नहीं होते वो उनका फोटो होता सिर्फ तो जो लोग जीवन में चूल्हा छोड़ चुके हैं चाहे वो संत महात्मा हो चाहे आम आदमी हो उसको पैसे के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए ये अशुभ ऊर्जा क्रिएट करता है कई लोग पैसे को अपने वॉलेट के अंदर धार्मिक चीजों से कनेक्ट कर देते हैं धार्मिक कोई जैसे भगवान श्री शंकर की उस फोटो लगा दी पैसे के बटुए पे या कुछ ऐसे लगा दिए तो जितना भी पैसे का साथ हम भगवान के चित्र को संबंध जोड़ते हैं वो अशुभ है नहीं बढ़ाता बल्कि सकारात्मक ऊर्जाओं को कम कर देता है वो सारी धार्मिक चीजें जो होती है हमारे मन की सकारात्मा को बढ़ाने के लिए होती है पैसे की गर्मी को बढ़ाने के लिए नहीं होती पैसे में एक गर्मी होती है एक अग्नि होती है जब उस अग्नि के साथ धार्मिकता को बढ़ाते हैं तो वो नकारात्मकता को बढ़ाती है इसलिए उसके साथ नहीं कनेक्ट करना पैसे को पैसे के साथ ही रखे धर्म को धर्म के साथ रखे कई लोग पैसे को अः गाठ के रख देते हैं ठीक है कई लोग पैसे को गांठ बांध के रख देते हैं या तोड़ मोड़ के लिफा रख देते हैं या वो, वो नोट को जो है गोल 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 करके रख देते हैं ये सारी चीजों को नोट से रखने से पैसे की वैल्यू रिड्यूस होती है और उससे पैसे का जो सदुपयोग है मनी का जो सदुपयोग है उसमें कमी आती है उससे नुकसान होता है पैसे को बिल्कुल फ्लैट नोट को रखना चाहिए पर्स के अंदर घुमा घुमा के नोट्स को नहीं रखना चाहिए और फ्लैट नोट को रखा हुआ पैसे की वैल्यू एडिशन करता है वो अच्छा होता है लाल रंग एक आकर्षण रन होता है लाल रंग एक आकर्षण जो पैसे का अपना रंग है साउथ ईस्ट का कलर पे है लाल रंग के अंदर या लाल रंग के कपड़े के अंदर रखा गया पैसा पैसे को अपनी ओर खींचता है पैसे की ताकत को बढ़ाता है हमारी मनोकामनाओं के लिए पैसा यूज होता है ऐसे में पैसे को लाल रंग से लाल रंग के कवर्स में रखा हुआ पैसा अच्छा होता है कई लोग एम्ल यूज करते हैं लोगों को पैसे देने के लिए ग्यारह सो इक्कीस सौ बाईस सौ कुछ ऐसे पैसे देने के लिए एम्लब यूज करते हैं लाल रंग के किए गए एम्वल पैसे की वैल्यू एडिशन करता है लाल रंग से किए गए एम्लब लाल ऑरेंज कलर के एम्ल पैसे की वैल्यू एडिशन क्रिएट करता है ठीक आ, ये लाल किताब का उपाय है पहले बता के मैं आपको बता रहा हूं ठीक क्योंकि पैसे की बात चल रही थी वास्तु में तो लाल किताब को पाए लाल रेशम के कपड़े में पूर्णिमा के दिन चुटकी भर चावल 21 दाने चुटकी भरी बनेंगे चावल खंडित चावल को छुपा के रखने से मतलब गांठ को तो पैसे के अंदर बेफिजूल खर्चों में कमी आती है इस प्रकार के आप बहुत सारी चीजें करते रहेंगे अपने जर्नी के अंदर जर्नी हमारी चलती रहेगी आज के लिए इतने उपाय काफी होंगे आई थिंक जी सर, सर हाँ साबुत चावल, मतलब चावल नहीं आप खंडित बोले मतलब खंडित चावल, चावल बांध कर छुपा कर रखने से पैसे में बेफजूल खर्चों में खर्च नहीं होते हैं सर साबुत साबुत चावल रखना पड़ेगा ना सर खंडित मतलब टूटा हुआ होता है ना टुकड़ा टूटा हुआ होता है सर टूटा हुआ रखना होगा साबुत हाँ, नहीं? हाँ 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 करेक्ट सर मनी पर्स के अंदर कार्ड रखे कार्ड क्रेडिट डेबिट कार्ड तो डेबिट क्रेडिट कार्ड तो रख सकते हो सर वो तो कार्ड ही है उसका क्या कर सकते हो ओके और आपने चाबी का जोड़ा बोले आपने चाबी का मतलब वो उसके बदले एक चाबी रखे तो भी दिक्कत देती है चाबी का गुच्छा और चाबी बात बराबर है चाबी एक ही बात है वो इस दो बात नहीं है और दूसरा मेटल मेटल का क्यूँकी तो वो, वो भी, वो वो भी है। है। पैसे के फायदा के ऊपर अपने पैसा बना होता है और कपूर कपूर सकारात्मक ऊर्जाओं के लिए है, पैसे के साथ कोई उसका कनेक्ट ना करें सकारात्मक ऊर्जा वैसे ठीक है वैसे आप रख सकते हो लेकिन डू नॉट क्रेडेट विद मनी

बहुत सारी पेंटिंग आएगी बहुत सारी हर जोन की अपनी एक पेंटिंग है। मैंने अभी अभी एक पेंटिंग बताई डब्ल्यू एनडब्ल्यू में भगवान श्री कृष्ण का आदेश देता हुआ भवान अर्जुन को जब वो वो अगर तस्वीर अगर गूगल से निकालोगे तो वो अपने में पेंटिंग है उसका चित्र बना के अगर डब्ल्यू एनडब्ल्यू में रखा जाए तो ये जोन डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करता है वो में एक पेंटिंग है राइट right? मैंने आज के सफर में आपको पेंटिंग टू डी रेमेडी होती है कोई चित्र वो जो कोई जैसे नंदी बुल या गुड़ू जो थ्री डी रेमेडी होती है वो मैंने बता दी कलर रेमेडी मैंने बता दी मेटल रेमेडी मैंने बताई आपको आज के इस जर्नी में मैंने हर प्रकार की रेमेडी को टच करने की कोशिश की है ये एक प्रकार का क्या सकते तो ट्रेलर काइंड ऑफ ट्रे आएगा जो दर्शाएगा कि आपको आने वाले जर्नी में सारी रेमेडी इस प्रकार से हर चीज की प्राप्त होगी कोर्स ही रेमेडियल वास्तु है कोर्स का नाम ही रेमेडीयल वास्तु हुआ है करनी ही हमें रेमेडीज में मिलेगा ना जी बिल्कुल डिटेलिंग में करेंगे काम डिटेलिंग में करेंगे एक-एक सब्जेक्ट की डिटेलिंग में करेंगे एक-एक डायरेक्शन की डिटेलिंग में करेंगे सर एक क्वेश्चन था जी सर ये मतलब जैसे हमारे 45 देवतास होते हैं या जैसे चार्ट बेस्ड जो हम रेमेडीज कहते हैं ना कि तो इस पड़ी चार्ट पे आ,

या फिर हम ये कहते हैं ना जैसे चार्ट बेस्ड होती है कि जो पर्सन फाइनेंशियली घर को लीड कर रहा है जो है जो प्राइम पर्सन घर को फाइनेंशियल देखने में ये चार्ट बेस्ड रेमेडी होने वाली है इट इज या फिर इट इज गोइंग टू बे डिफरेंट कॉन्सेप्ट चार्टी समझ में नहीं आया कौन सा चार्ट बोल रहे हैं ओके तो आप रुको रुको वेट 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 हॉरोस्कोप का जो चार्ट होता है वो एस्ट्रो वास्तु की जर्नी में आता है इट इज नॉट एन एस्ट्रो वास्तु जर्नी वास्तु जर्नी प्योर एक बात पैंतालीस करेंगे, वो हम करेंगे। बात, बात, आप करें या मत करें, इरिस्पेक्टिव वास्तु का जो बेस है वो अपने में अटल है वो अपने में बिल्कुल बिल्कुल यू कैन एड ऑन टॉप ऑफ इट एस्ट्रो वास्तु बट यू At all. अगर कोई ये तो, सोचे करे, करे कि मैं वास्तु को इग्नोर कर देता हूँ इस तो इसका मतलब कर रहा है पहली पे पे। अगर गिर तो टूटेगा जी जी सर थैंक यू सर विच इज इन ठीक चलिए और पूछिए यस अलका जी हमारे न्यू में एडवांस किया हुआ है उससे अलग है या? मैंने रेमेडी इसमें ज्यादा अलका जी इसलिए प्रोफेशनल वास्तु वालों को इसमें बिल्कुल फ्री एंट्री है दिया है जिन्होंने प्रोफेशनल वास्तु किया था पहले और जो एस्ट्रो वास्तु जिन्होंने किया यस उससे डिफरेंट है ये एस्ट्रो वास्तु से बिल्कुल डिफरेंट है।, है मैंने बट तो दोनों, दोनों किया हुआ है तो प्रोफेशनल वास्तु से एड ऑन है इसमें Okay. मेरा हर कोर्स एड ऑन होता है जिन्होंने मेरे से पहले बेसिक किया है, उनको पता है है चार का टाइम थोड़ा है ना सर बट रा, रा, राजेश रा, राकेश जी नहीं है वो सिर्फ आते ही हो। और एडवांस हमने पहले पिरामिड के ऊपर पहले हमने हलिक्स में इतना डिटेलिंग में काम नहीं किया था इसमें हम हलिक्स पे डिटेलिंग में काम करने वाले हैं ठीक है तो हर कोर्स अपने आप में एक एड ऑन के साथ है तुलिका जी के तुलिका जी क्यों इतना मुस्कुरा रही है सर मेरे लिए हर, हर कुछ ही नया होता है और आपके साथ मैं ये मैं पहले से मतलब जीरो होके बैठी हो फ्रेश एंड पूरा एकदम एनर्जी के साथ पूरा ठीक होगी एकदम क्योंकि welcome. ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है और थैंक यू सर वेलकम थैंक यू और बस सर बहुत अच्छे सिखाते हैं एक मतलब बोलने का नहीं है सर का इतना पेशेंस लेवल है हम लोग बहुत पुराने स्टूडेंट हैं सर के जैसा टीचर मिलना आजकल की दुनिया में जस्ट टू इम्पॉसिबल मतलब ये बहुत ग्राउंडेड है और बहुत डिटेलिंग एंड पेशेंस से सिखाते हैं और सर के साथ मैंने हम लोगों ने जितना भी क्लासेस किए मैंने वी आर कम्प्लीटेड सच में सर थैंक यू सर थैंक यू तो लिखा जी सो नाइस ऑफ यू सी ऑफ बड़पन थैंक यू जी किसी का कोई और पेशन है या अगर कैपेसिटी है तो हम और आगे कर सकते हैं आई कैन डू डेट अगर है थोड़ा टाइम हमारे पास अभी दस पंद्रह मिनट हम और कर सकते हैं अगर आप लोग और एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हेलो यस yes, जी बताएं सर नमस्ते नमस्ते मैं भी ओल्ड स्टूडेंट हूँ और मुझे भी ये टाइमिंग जी, जी आप बहुत ओल्ड स्टूडेंट है और आप तो बहुत अच्छा सिखाता है और बहुत पेशेंस वाला है हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से

अपने आप में बुक के बराबर है वो बुक से ज्यादा अगर उसको आप कर लोगे तो आई अ बुक अगेन सर एक सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर जैसे कि कई बार हम लोग उसमें पांच से एलिमेंट वास्तु की रेमेडी के अंदर एक महत्वपूर्ण जगह है उसे हम करेंगे अगर एलिमेंट नहीं अगर एलिमेंट आपको समझ में आ गए ना

मेरा मतलब है कोई कोर्स छूट रहा है जिसमें एलिमेंट के ऊपर डिस्कशन अच्छा बना दूं तो मेरा एक कोर्स बन जाएगा जी जी बिल्कुल सही क्या जी बिल्कुल बिल्कुल सर सर हम इसी में इसी में तो सर तो सर हम इसी में बेसिकली एलिमेंट को कवर कर रहे हैं इसके पहले हमने एलिमेंट को टच नहीं किया ना सर मेरा मतलब नहीं नहीं पहली क्लास है

तो वैसे आपके यहाँ पर सर जोन वाइज रूम वाइज मतलब हर एक इसका बहुत अच्छे तरीके से सर ने नोट्स बनाए सर सर वैसे ही आपके यहाँ पर बाकी जो टीचर्स भी जिस तरीके से अपने एनर्जी को इन्वेस्ट करके सिखाते हैं पढ़ाते हैं इट इज माइंड ब्लोइंग इट इज रियली गुड और uh, मैं थोड़ा सा ऐड इसमें ये करना चाहूंगा आई डोंट नो आई शुड से दिस और नॉट बट एज कम्पेयर to others

हैवी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तीस चालीस हजार रुपये कर देते हैं तो आप ज्यादा कोशिश नहीं सीख पाएंगे तो और उससे फिर ज्ञान में ना अटक जाएंगे एट दी एंड लोग जो ना फिर ऑकॉर्ड साइस को कुछ बोलते हैं नेगेटिव है। कमेंट्स देते हैं विच विच वी डोंट हमारी संस्कृति वीक हो गई है और उसके लिए पैसे हमारी पॉकेट फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि हम उसको इन्वेस्ट कर सकें अपने आप पे भी इन्वेस्ट कर सके है। अगर नहीं है हम नहीं कर पाएंगे पता है ये नहीं हो पाता बहुत टफ काम जी है। सर जी थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू बिगनुंदी नाड़ी का इसके बाद का क्लास है जो कंजेक्शन हम कर रहे हैं बट कंजन पे काम नहीं करवाते, हैं. नाड़ी. Transit, लोग नहीं करवाते हैं मैंने बहुतों का देखा है लोग एक आध कंजेक्शन करवा देंगे राहु केतु कुछ करवा देंगे उसके बाद छोड़ देंगे बाकी सारे प्लान एंड दे आर द लाइफ लाइन ऑफ बिगड़ी नाड़ी उसके बिना बिरोनि नाड़ी का लेवल्स ही क्रॉस नहीं होंगे और जो लोग कंजक्शंस में काम नहीं करेंगे आई कैन गारंटेड इट वो लोग आरजी राव साहब का जो 503 चार्टर्स के ऊपर कभी जिंदगी में काम नहीं कर सकते क्योंकि आरजी राव साहब का 503 चार्ट के अंदर इतना डिटेलिंग है और कंजक्शंस आता है सारा वो वो कभी जिंदगी में काम नहीं कर सकते जो लोग कंजक्शन को नहीं सिखाते

दीप्ति जी बोले हेलो सर जी ऐसा मैं ज्योति बोल रही हूँ मेरे किसी और के मोबाइल से लॉगिन हुई हूं अच्छा, मेरा मोबाइल हाँ बताएं 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 सर आ, ये जो क्लास है आ, ये जिन्होंने वास्तु ये उन लोगों के लिए है मतलब आज का फर्स्ट क्लास थी का मुझे बहुत देर हो गया जॉइन होने 5 मिनट पहले मैं जॉइन जी आज फर्स्ट क्लास था आज तो सर इसकी रेगुलर क्लासेस पांच दिन की है है जैसा उसमें लिखा हुआ है, 18 से 25 ऐसा कुछ नहीं 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 दिन की है क्या तो मतलब मुण ये, ये क्लास ओपन क्लास कर दी हमने फर्स्ट क्लास बड़ी क्लास उनके लिए जिन्होंने बट

मेडिकल वास्तु में हमने करवाया था बीमारियों को कि कैसे देखते हैं वास्तु के माध्यम से और वो होता है वो हम कवर करते हैं बट इस सब्जेक्ट में कुछ आएगा पूरा नहीं आएगा कुछ टच करेंगे कुछ कुछ चीजें और मेडिकल वास्त, वास्तु की डिटेलिंग एस्ट्रो वास्तु का पार्ट आ जाता है जी सर सर मुझे डायबिटीज का थोड़ा बताइए ना डायबिटीज अगर एक पिन पॉइंट पे, पे तो साउथ ईस्ट चेक करें आपका गड़बड़ है Okay, जी मीना हेलो सर जी मीना जी हेलो जी सर मेरे ये चीज पूछनी है कि मैं कोर्सेस करना चाहती हूँ कोर्सेस करती हूँ लेकिन मेरी मतलब तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस बीच में आती है तो उसके लिए कुछ रेमेडी मुझे भी बताओ जो मैं इनको सीरियसली कर पाऊँ मतलब कोई मेरी क्लास चल रही है फिर डिस्टर्ब हो जाता है फैमिली में डिस्टरबेंस हो गई कुछ ना कुछ ऐसे कंडीशंस बन जाती हैं कि मैं कोर्स से मतलब हटने लग जाती हूँ एनरोल करने के बाद भी सर आपकी आवाज नहीं आ रही ओके सॉरी यू आर नॉट एबल टू अपग्रेड योर स्किल्स चेक योर साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट मेरा पूरा ओपन ओपन है सर दैट्स अ प्रॉब्लम हम दैट्स अ प्रॉब्लम फिलहाल आप ज्वाइन करें इसको हम हेल्प करेंगे इसमें आगे ठीक है जी जी सर चलिए की, की, तो मतलब ये मैं करती हूँ मनी मैटर से कभी कुछ ना कुछ मतलब इन लॉज की तरफ से इश्यू आता ही रहता है और मेरा वो सारा मतलब पैसा लगाया हुआ वेस्ट हो जाता है एक तरह से ठीक है चलिए डेफिनेटली ठीक है ठीक ठीक सर राइट right.

ली शेयर प्राइस प्राइस प्रतीक एक एक मिनट प्रतीक जी मैं यहां पे एक नंबर दे रहा sir. हूं प्रतीक जी इस नंबर पे आप डायल कर लीजिएगा uh, मैंने एक यहां नंबर लिखा है इस नंबर पे आप डायल कर लीजिएगा प्रतीक जी वेट uh, एक मिनट ये एक नंबर है प्रतीक जी

चले गए क्लास से वो लोग रिकॉर्डिंग से देखेंगे जाते-जाते एक टिप जो मुझको एकदम याद आया ब्रह्मस्थान के नाम से जो मैं सोचा था आज देता हुआ जाऊंगा आपको एंड ऑफ डे और जो लोग चले गए वो लोग मिस कर गए आप लोग आप लोग अभी से विद इमीडिएट इफेक्ट एक कार्य जरूर चालू करें ठीक है अगर आप कर सकते हैं तो पहला कर तो ये करना है कि अपने घर को जिनको पता है वो समझ उनको पता है जिनको नहीं पता वो लोग ध्यान करें सॉल्ट वॉशिंग करनी है घर की सॉल्ट वॉशिंग कैसे होती है कच्चा नमक नमक जिसको बोलते हैं या पहाड़ी नमक जिसको बोलते हैं वो लेना है एक ये काम करना है पंद्रह दिन तक लगातार पंद्रह दिन तक लगातार करने के लिए घर की वॉशिंग की बात कर रहे हैं आपकी वॉशिंग की बात नहीं कर रहे आप भी कर सकते हो चाहिए तो एक व्यक्ति घर एक व्यक्ति है घर की वॉशिंग के लिए ढाई ग्राम नमक चाहिए पर डे पानी में डाइल्यूट करना है ऑफ कॉफी पाउडर ऐड करना पांच दस बूंदे अरोमा ऑयल की ऐड करनी है लेवेंडर ऐड कर ले पांच दस बूंदे लेवेंडर और अरोमा ऑयल की एक डाइल्यूट मिक्सचर बन जाएगा जिससे आपने घर को पोछा लगाना है उसके बाद क्लीन पोछा लगाना चाहे लगाए नहीं तो नहीं लगाए वो आपकी मर्जी है ठीक वो आपको पोछा लगाना है पंद्रह दिन तक लगाना है लगातार इसके बाद की तरीका इसके बाद जर्नी में बता देंगे फिलहाल आपको ये करना है ये करने के बाद आपने कल ये कर लेना है कर लिए कल से अगर ये आप ये कर लेते हैं आज रात आज सैटरडे है राइट अपने घर के सेंटर में थोड़ा सा कच्चा नमक अभी मिल जाएगा दुकानें खुलनी है बाजार में ले आए सौ ग्राम सेंटर में नमक डाल दे फुला दे कच्चा नमक को पीस के और पैर ना रखे थोड़े से एरिया में फैला दे थोड़ा सा गोला बना के उसमें फैला दे थोड़ा सा गोला बना के और उसको कल सुबह कपड़े से उठा दे कपड़े से उसको उठा के फ्लश के अंदर डाल के फ्लश आउट कर दे आपका जो घर का फ्लश है उसमें डाल के फ्लश आउट कर दे और कल से ही सुबह को वहां पे एक दिया जलाना शुरू कर दे एंड डू डेट एवरीडे टिल वास्तु जर्नी आई एम रिपीटिंग दिस घर के सेंटर में छोटा सा गोला बना लें उस गोले में कच्चा नमक डाल दें लाके बाजार में मिल जाएगा अभी भी ठीक आठ दस रुपए किलो आता कोई महंगा आइटम नहीं है ये सौ ग्राम दो ग्राम लाके उसको फुला दे सारे में कूट के सुबह कपड़े से उठा के उसको फ्लश आउट कर दे सारे को वहां पे कल से ही ना दो के सुबह एक दिया अगर घी का गाय के घी का दिया जला सकते हो तो अच्छी बात है नहीं तो तांबे के दिया लेके उसमें कपूर डाल के ही जलाना शुरू कर दो आप कुछ नहीं होता तांबे के दिए में कपूर गाय का घी लगा के बत्ती जला सकते हो तो अच्छी बात है नहीं तो कपूर का दिया जलाएं और ये आप कंटिन्यूस रोज मॉर्निंग में करें और इसके साथ जब ये दिया जल रहा है तो एक प्रार्थना करें प्रार्थना जो होगी वो आप जो भी प्रार्थना करते हो कुछ भी नहीं करते हो आप तो गायत्री मंत्र करें ठीक है नहीं तो जो आप प्रार्थना करते हो प्रभु की वो प्रार्थना करें अदरवाइज गायत्री मंत्र करें एक चीज याद रखनी है एक छोटी सी प्रियर में आपको बता रहा हूं जो आपको याद कर लेना हमारे वास्तु के अंदर चार दिशा होती है चार विदिशा होती है विदिशा मतलब सब डिविजन सोलह सोलह जोन होते हैं और बत्तीस द्वार होते हैं और पैंतालीस देवता होते हैं ये वास्तु जैसे ज्योतिष होता है नवग्रह बारह राशि बारह भाव सत्ताइस नक्षत्र में ज्योतिष समा जाता है चार चीजों में इसी तरह इसमें वास्तु समा गया तो जब प्रार्थना करें भगवान से विनती करें हाथ जोड़ के कि इस भवन जिस भवन में आप रहते हो उस भवन की चार दिशा चार विदिशा बत्तीस द्वार होते हैं बत्तीस द्वार पैंतालीस देवताए इनमें सकारात्मक ऊर्जाए वास कर रही हैं ये विनती आपको प्रभु से करनी है जब आप कर रहे हैं ये एक्टिविटी आप चालू कर देंगे तो अच्छा है जो लोग जर्नी में कर रहे हैं उनक, सब लोग करें दिस इज टिप बिफोर गोइंग यस रॉ हाउस है दो फ्लैट है सर तो एक ही जगह पे करनी है ना मेन जहां आप रहते हो जहां से एंट्री है में में। में आप रह रहे हो मैंने सेंटर में बोला है हाँ सेंटर तो दोनों का आएगा ना दोनों फ्लैट का सर नीचे का अरे मैडम एक मिनट रुको बीच में सर स्टेर है सर रॉ हाउस है रॉ हाउस मतलब रहते नहीं हो उसके अंदर रहते हैं मतलब बहुत कम यूज करते हैं रात को सोने भी जाते हैं काम बस झाड़ू पोछा करती है तो जिसमें आप रहते हो उसमें करोगे आप मैं जिस जिस मकान में आप रहते हो उठते बैठते सोते जागते हो उस मकान में करोगे आप बस उसी फ्लोर पे करोगे आप ओके सर एक चीज और पूछनी थी जी सर कुछ लोग कहते हैं थर्सडे को नमक के पानी का पहुंचा नहीं कल थर्सडे नहीं है कल संडे है नहीं संडे को है थर्सडे अगर आएगा तो उस उस दिन हाँ तो थर्सडे को मना करते तो है हमने बोला तो पहले रेमेडी बताया आपको हाँ जी हाँ जी सर नमक नहीं डालना संडे को को नमक नहीं डालना इसलिए इसलिए हमने आपको आज बोल दिया कि आज आप नमक डाल के छोड़ दे इसलिए हमने आपको आज ही बोल दिया ये बात ठीक ठीक और सर जो दिया है वो चौबीस घंटे चलना चाहिए या दो तीन मिनट जलेगा हाथ, हाथ से मिनट मिनट दिया जाए बड़ी बात है दिया इससे जलता ही नहीं है ठीक हाँ जी राजीव दी, जी वो जो हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टेड एरिया जो होता है उसका वास्तु लेना है कि पूरा जो हमारा बाउंड्री वॉल साहित बाहर का एरिया भी रहता है जिसमें हमारा गार्डन जहाँ कवर्ड एरिया में आप रह रहे हो उस कवर्ड एरिया का उसका सेंटर एरिया लेना है जी लेकिन बाहर की आप उठते बैठते बैठते सोते जागते हो ठीक है सर सर डुप्लेक्स घर रहा था मैडम डुप्लेक्स घर का दोनों का एक ही सेंटर निकलेगा ना तो सेंटर जिसमें आप रह रहे हो उस पर ले लो आप उसका ठीक है थैंक यू सर जी जी और बताएं. बिल्कुल करना है okay. गर, पर okay. नाम तो आपको ना वन बी एच केन बी एच के, के ज्वाइंट लेकिन दोनों का सेंटर अलग अलग ही आएगा। है, अलग, है? अलग है सर किचन अलग है तो जिस जगह में आप रह रहे हो उत जगह का सेंटर लेना है क्योंकि किचन अगर, अगर अलग है तो जितनी जगह में आप रह रहे हो किचन अगर मान लो अलग है हाँ। वॉकवेज अगर सेम अगर अगर सेम है तो पूरी जगह का सेंटर निकाल लो एक ले लो उसको सर नहीं आता है अंदाजे से ले लो ऐसा कर लो जिस जगह में सबसे ज्यादा फुटफॉल आते हैं घर के वो सेंटर में ले लो घर में जब वॉक करोगे जो एरिया सबसे ज्यादा फुटफॉल आएगा वो सेंटर पे ले लो ठीक है ठीक है ओके तो फिर मेरा भी यही बना थ्री बी एच के है ऊपर हम लोग रहते हैं एक बीएचके के किचन और हॉल है एंट्री है ऊपर तो ब्रह्मस्थान वही आएगा ना सर ऊपर नीचे वाले में क्या है तीन बेडरूम है सोते गाँव ऊपर ऊपर भी एक बेडरूम है किचन है और हॉल है सोते गाँव ऊपर किचन किचन के ऊपर ही है थैंक यू राइट right. चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं आप सब लोगों आप बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू नमस्कार कल फिर चार बजे मिलेंगे थैंक यू थैंक यू सर फॉर थैंक यू सर थैंक यू वेरी थैंक यू